हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज मैं आप लोगों के लिए जितनी भी वैकेंसीज लेके आया हूँ वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, लेकिन उसमें अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्या होगी, आपने ध्यान से सुनना है। मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ और थोड़ा मेरा तजुर्बा जो है वो उन वीडियोज़ के बाद, कई लोग पूरा वीडियो नहीं सुनते हैं या कई बार वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि कोई चीज मिस कर जाए, मान लीजिए अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये चीजें जो होती हैं जब मिस कर जाते हैं तो हमारी कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स हो चाहे प्राइवेट जॉब्स, वीडियो को पूरा सुने। आप लोगों के लिए वीडियो है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनता है ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है, पूरा वीडियो 5 से 7 मिनट का जो वीडियो होता है उसमें हर चीज को समझो, आराम से अप्लाई करो। जॉब के लिए आप देखते हो, चैनल ही मेरा आप जॉब से रिलेटेड बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेरी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं जॉब से रिलेटेड आती हैं। तो इसलिए आप लोगों की हेल्प हो, मेरी ये विश होती है, आप लोगों की जॉब लगे ये मेरी विश होती है, और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन को सुने, उसके बाद अप्लाई करें। तो आज की वैकेंसीज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हैं, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अगर आपको आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको और भी जानकारी जॉब्स की मिलती रहे, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट जॉब है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, बाकी लोगों की भी हेल्प करें। और जितनी भी यहाँ पे मैं जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ फ्रेंड्स, उसके बारे में पूरी तरह से वेबसाइट पे दोबारा आपने वेरीफाई जरूर करना है। खासकर जितनी प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनसे जरूर आपने पूरी की पूरी जानकारी लेनी होती है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ईमेल एड्रेस, खासकर फ़ोन नंबर्स होते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो उसमें भी पूरी की पूरी आपने वेरिफिकेशन जरूर करनी है, पूरा वेबसाइट के बारे में भी जानकारी लेनी है जब आप अप्लाई ऑनलाइन या ऑफलाइन करने वाले होते हैं। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल चैनल में, और यहाँ पे आपको कंप्लीट आज मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट पहले वेबसाइट पे लेके जाऊंगा फ्रेंड्स। ये वेबसाइट है यहाँ पे ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। तो ऑल ओवर इंडिया में ये जो वैकेंसीज जितनी भी हैं आपको निकलती रहती हैं कोर्ट्स कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, तो उसके बारे में आज मेरे पास एक नई एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरदासपुर, यहाँ पब्लिक नोटिस निकला है कि एप्लीकेशन ऑन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा, मतलब आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी है विद कंप्लीट बायोडाटा, अपना बायोडाटा अलोंग विद जितनी भी आपकी लाइक कॉपीज हैं रिलेवेंट टेस्टिनोमियल्स की, मतलब आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने अटेस्ट करवाना है, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है उसमें, उसके अलावा कैटेगरी बिलोंग्स टू, कौन सी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स साथ में लगाने हैं लेटेस्ट वाले, आउट ऑफ विच वन शुड बी पेस्टेड ऑन द राइट अपर साइड ऑफ एप्लीकेशन। मैं आपको एप्लीकेशन इसमें दिखाऊंगा कहाँ पे आपने पेस्ट करना है, एक फोटोग्राफ आपने वहाँ पेस्ट कर देना है और दूसरा जो है वह अटैच कर देना है। तो जो पहली तीन वैकेंसीज हैं वो हैं फॉर प्रोसेस सर्वर्स। प्रोसेस सर्वर के बारे के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, और 11 जो वैकेंसीज हैं वो पीएनस के लिए हैं और एक वैकेंसी है स्वीपर के लिए है, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 25 फरवरी 2021 है लास्ट डेट। अब बात करते हैं प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर की तीन वैकेंसीज हैं, एक है जनरल कैटेगरी के लिए, एक बीसी के लिए और एक है एससी के लिए। सैलरी जो है वो फिक्स रहेगी, उसका बैंड रहेगा, स्केल रहेगा आपका 4,900, 10,680 प्लस 1,800 रुपया ग्रेड पे रहेगी आपकी, एंड पे विल बी ग्रांटेड एज पर जो पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक पास होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए आपको, शुड हैव द नॉलेज ऑफ पंजाबी। एज की बात करें तो 18 से 35 साल एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और एज में रिलैक्सेशन मिलेगी फॉर दी टू दी कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरीज एज पर रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अम्बल हाई कोर्ट एज वेल एज पंजाब गवर्नमेंट।
जो रिजर्व कैटेगरी के दोस्त हैं मेरे, उनको रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 18 से 35 साल एज होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पीओन के लिए। पीओन की 11 पोस्टें हैं, एक जनरल के लिए है, एक जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक बीसी के लिए है, एक फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, एक पोस्ट स्पोर्ट्समैन जनरल कैटेगरी के लिए है और एक एक पोस्ट स्पोर्ट्समैन एससी कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट ईएसएम जनरल, दो सॉरी दो दो पोस्टें ईएसएम जनरल कैटेगरी के लिए हैं, दो पोस्टें ईएसएम एससी कैटेगरी के लिए हैं, एक पोस्ट ईएसएम बीसी कैटेगरी के लिए है। इनकी भी जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी 4,000, इन द स्केल ऑफ 4,900 से 10,680 प्लस 1,650 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। इस इनके लिए पीओन की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मिडिल पास, मतलब 8वीं पास होने चाहिए आप, और आपको पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए अप टू मिडिल स्टैंडर्ड, मतलब पंजाबी होनी चाहिए आपकी, पंजाबी पास होनी चाहिए आप, 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, और फिर से वही रिलैक्सेशन, आपको अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। फिर जो अगली पोस्ट है वो है स्वीपर्स के लिए, एक वैकेंसी है स्वीपर के लिए जनरल कैटेगरी में, और इनके लिए जो स्केल रहेगा, पे स्केल रहेगा 4,900, 10,680 प्लस 1,650 रुपये, ठीक है। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए पंजाबी की। इसके अलावा इनकी एज जो है 18 से, स्वीपर के लिए 18 से 35 साल एज होनी चाहिए, और आपको रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो। अब ये आ गया परफॉर्मा। परफॉर्मा को आपने फिल करना है, सबसे पहली बात यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरदासपुर, ये फॉर्म भरना है आपने। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ लिखना है। सारे के सारी जो आपने कॉलम भरने हैं वो कैपिटल लेटर्स में भरने हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फादर्स, हस्बैंड्स नेम, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए कि कहीं आप रह रहे हो, घर कहीं और ही है आपका, तो जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिए, क्वालिफिकेशन लिखिए, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा, इन एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यहाँ लिख दीजिए, कैटेगरी कौन सी है आपकी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो लिस्ट यहाँ पे लिख देने हैं उनके बारे में, स्पेशल एप्टीट्यूड, कोई आपने स्पेशल स्पेशलिटी है कि नहीं है, हुनर है, कोई सर्टिफिकेट मिले हैं वो यहाँ पे लिख देना है, ईमेल आईडी आपकी क्या है वो लिखनी है, टेलीफोन नंबर क्या है वो लिखना है यहाँ पे, टेलीफोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर लिख सकते हैं आप, डेट लिखनी है जब आप अप्लाई करने जा रहे हो, और अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। लास्ट डेट है 25 फरवरी 2021 शाम के 5 बजे तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। अच्छा, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है कोई भी कॉलम, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगी। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट वो कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है। अब कई बार क्वेश्चन होता है मैं तो प्लस टू हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अरे भाई अगर 10th मांगे हैं तो प्लस टू क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन एम ए भी की है तब अप्लाई आप कर सकते हो। हाँ, मैट्रिक मांगा है तो 8वीं वाला नहीं अप्लाई कर सकता, 8वीं है, अगर 8th क्लास पास आउट मांगे हुए हैं तब भी एमए लेवल तक, पीएचडी लेवल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल द कैंडिडेट्स विल अपीयर अलोंग विद देयर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स इन द ऑफिस ऑफ अंडरसाइन ऑन द डेट फिक्स फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू की जैसे आपकी डेट फिक्स होगी तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपने अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट जो अटैच किए हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। TAD आपको कोई नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज भी की जा सकती हैं और डिक्रीज भी की जा सकती हैं अकॉर्डिंगली। द पोस्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी विल बी ऑफर्ड टू द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। अगर कोई मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं मिल पाया तो फिर वो पोस्ट जो है रिजर्व कैंडिडेट का, मान लीजिए कोई कैंडिडेट नहीं मिला ना, तो वो मिल जाएगी फिर जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स मस्ट मेंशन देयर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी इन द एप्लीकेशन। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जरूर देनी है ताकि इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल करना हो तो आपको डायरेक्ट वो कॉल आप अटेंड कर सकें। अब इंटरव्यूज की डेट्स बता देता हूँ ऑफिस में। अल्फाबेट जैसे आपका ABCD के नाम होता है उसी हिसाब से यहाँ पे इंटरव्यू होगा। जैसे कि प्रोसेस सर्वर के लिए ए से लेकर के के तक जिनका नाम आता है, ए से शुरू होता है या के से शुरू होता है, ABCDEFGHIJK,
उनका इंटरव्यू है 4 मार्च 2021 को, जिनका नाम एल से शुरू होता है अप टू जेड, इनमें से किसी भी लेटर से शुरू होता है, तो उनका इंटरव्यू होगा 5 मार्च 2021 को। अब पीएम्स की बात करते हैं, उनके लिए ए से लेकर जी वालों का इंटरव्यू है 8 मार्च 2021 को, एच से लेकर के एन वालों का इंटरव्यू है 9 मार्च 2021 को, ओ से लेके आर तक जो कैंडिडेट है उनका 10 मार्च 2021 को, एस से लेके जेड तक उनका है 12 मार्च 2021 को। स्वीपर के लिए ए से लेकर के जेड तक सबका, स्वीपर की एक ही पोस्ट है, उनका इंटरव्यू होगा 15 मार्च 2021 को। अब जो परफॉर्मा है एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपको इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। द कैंडिडेट विल बी सोनली रिस्पॉन्सिबल टू अपियर फॉर द इंटरव्यू, नो सेपरेट इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड विल बी सेंड टू द कैंडिडेट। मतलब आपने अप्लाई कर दिया है ना फ्रेंड्स, तो डेट्स तो मैंने आपको बता दी, इन डेट्स को आप वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये वेबसाइट है, यहाँ से परफॉर्मा आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं पीछे यहाँ पे लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरदासपुर से रमेश कुमारी मैम जी हैं, उनका ये यूआईडी नंबर है, तो ये उनके सिग्नेचर भी हैं, और ये 9 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन आई है। तो बाकी फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आज की जो डिटेल है, अब वापस मैं लेके जा रहा हूँ कि आपने डाउनलोड कैसे करना है। देखिए, मैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोड गवर्नमेंट इंडिया पंजाब गुरदासपुर, ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है ई कोर्ट्स की, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया, यहाँ पे जाना है, क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको फिर आप प्रिंट आउट निकाल करके भर दीजिए, भरने के बाद पोस्ट कर दीजिए सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके। तो ये ध्यान रखना है इस बात का आप लोगों ने, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड आप लोगों ने ध्यान रखना है, डाउनलोड करना है, फॉर्म भरना है, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा देने हैं, और डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद फिर एनवेलप में डालना है, उस हिसाब से आपने, या फिर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज लाइक द बटन, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कीजिए, उनको भी बताइए मेरे चैनल के बारे में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर ज्यादा से ज्यादा जॉब की आपको जानकारी चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।